सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। एक अच्छे से स्माइल करो और बताओ कि सब ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ परवाह नहीं होता कि आप कितने तकलीफ में हो। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। आज का पंचांग 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:39 से 2:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:42 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं। मेरा से 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार। आज आप कल्पनात्मक रहेंगे। कार्य स्थल की ओर से किसी अन्य स्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है। आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति उजागर होगी। अपने आप को थोड़ी ढील देने का दिन है, लेकिन काम में व्यवहारिकता भी दिखानी होगी। साथियों के साथ अच्छे मूड में रहेंगे। अपने मेल देख लें, कोई महत्वपूर्ण मेल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज कोई रुका हुआ काम अचानक ही बन सकता है, जिसकी वजह से विजय हासिल करने जैसे फीलिंग रहेगी। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। उधार दिए हुए पैसे की वसूली करने के लिए समय आपके पक्ष में है। मेहनत करने का जज्बा होने के बाद भी केवल गलत लोगों की संगत और गलत रास्ता अपनाने से आपकी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ते लालच को दूर करना आपके लिए आवश्यक होगा। परिवार के लोगों से छुपाई गई बातें सामने आने लगेगी, इस कारण आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। करियर का चुनाव करते समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय बार बार ना बदला जाए, इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर के सामने किसी भी बात का दिखावा ना करें। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी शरीर को पूरा आराम देने की कोशिश करें। सावधानियां, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने कार्यों में ही ध्यान दें, वरना आपके हाथ से कोई लक्ष्य निकल भी सकता है। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही से परहेज करना जरूरी है, क्योंकि इससे समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुख शांतिपूर्ण रहेगा। किसी विपरीत लिंग मित्र के साथ व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। आज रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने पार्टनर को यह दिखाने की जरूरत है कि आप उन्हें या इस रिश्ते को गंभीरता से महत्व देते हैं। यह सही समय है कि आप उनके लिए अतिरिक्त कोशिश करें, ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो। आज आपकी रोमांटिक लाइफ एक अंतरंग डिनर किसी रोमांटिक भाव गंभीमा या गिफ्ट से नए मुकाम पर पहुंच सकती है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश दी जा सकती है, और भाग्यशाली लोगों को नए नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है, और ये समय इसका फल पाने का अच्छा समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। कारोबारी गतिविधियां सामान्य ही रहेगी, लेकिन सुधार के लिए कुछ सृजनात्मक विचार बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी नए काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। नौकरी पेशे वर्ग को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है।
लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहें। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है जो अभी तो शुरुआती स्थिति में है, लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही रखेंगे तो यह गंभीर रूप ले सकती है। गर्म वातावरण में रहने की कोशिश करें और अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।